ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಚಿರಾಯಿ ಹೋಗಲಿ ಚಿರಾಯಿ ಹೋಗಲಿ ಜನಗಳ ಹೋರಾಟ ಚಿರಾಯಿ ಹೋಗಲಿ ಚಿರಾಯಿ ಹೋಗಲಿ ರೈತರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ತೂರಿ ಹಾಕುವ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಲಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಲಿ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ರೈತರಿಗಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಕ್ಕ ಹೋರಾಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ पूरा भारत देश में बंद यशस्वी हो रही है कि सभी लोग इस देश प्रेमी बंद को सपोर्ट करे है। छात्र, दलित, महिला, किसान, कार्मिक, बिजनेसमैन के सभी लोग इस बंद को सपोर्ट करे है। इसका मतलब ये है इस देश में दूसरा आजादी आंदोलन शुरू हुआ है। ये नरेंद्र मोदी का तानाशाही जो है ना, इसका खिलाफ पूरा भारत देश आवाज उठाए है और बोल रहे हैं, मोदी अब तुम सिर्फ अदानी अंबानी का चौकीदार करके रहो, इस देश का प्रधानी नहीं बन सकते। आप गए हैं अमेरिका, वहाँ भी हमारे कमला हैरिसन आपको कान पकड़ के बोले हैं, भारत देश में डेमोक्रेसी कायम रखो, नहीं तो ये सही नहीं है, प्रजासत्तात्मक डेमोक्रेटिक सिस्टम कायम रखो, ये कहा है कि आपके कान पकड़ के जो कहा ना अमेरिका की उपाध्यक्ष कमला हैरिसन, कमला हैरिसन के माँ यहाँ ह्यूमन मानव हकों का वो एक लड़ाई लड़ने वाली महिला है, कि वो कहा है सुनो तोड़ा, भारत देश में तुम तानाशाही गुंडागिरी करना चाहते हो, इस देश का संपत्ति कॉर्पोरेट लोगों को देना चाहते हो, दे रहे हो, सिर्फ चाहते नहीं, हमारे अन्नदाता को आप उनका द्रोह का कानून, उनके विरोधों में कानून लाए हैं, इसीलिए पूरा भारत देश अब गुंज उठाए है, चप्पे चप्पे लोग तुम्हारे खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, शर्मिंदा करो थोड़ा, बच्चा बचा के रहो, तुम उतरो गद्दी से, नहीं तो लोग उतारते हैं, तुम और तुम्हारे जो आरएसएस है, बीजेपी है, हिटलर शाही जारी रखना चाहते, हिटलर आपके अंदर जिंदा है, हिटलर शाहियों को पूरा दुनिया खिलाफ करे है, अभी हमारे देश पूरा तुम्हारे खिलाफ कर रहे हैं, अब नहीं चलेगा, इस देश में डेमोक्रेसी रहेगा मनुस्मृति नहीं, इस देश में संविधान रहेगा मनुस्मृति नहीं, इस देश में बीजेपी और आरएसएस का तानाशाही का कड़ी विरोध इस देश के लोग कर रहे है, अब तुम शर्मिंदा बन जाओ, भाग जाओ, नहीं तो दे ये लोग आपको नहीं छोड़ने वाले हैं। आज का देश प्रेमी आंदोलन में सभी लोग शामिल ले रहे हैं। मैं क्रांतिकारी सैल्यूट करना चाहती हूँ, इस देश अशफाकुल्ला, भगत सिंह, शाहू महाराज, सावित्री बाई फुले, बाबा अंबेडकर, इन लोगों का ये देश है, ये देश हिटलर का देश नहीं है, ये आज साबित हो गया और ये आंदोलन जारी रहेगा, ये आंदोलन रुकेगा नहीं, इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन बचा के ही रुकेगा आंदोलन, तब तक नहीं रुकेगा।